अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अखिलेश यादव के सामने रखी शोपाल ने शर्त, चाचा सशर्त सपा के साथ जाने के लिए हैं तैयार। शोपाल सिंह ने कहा सम्मान मिलने पर ही लेंगे फैसला। पार्टी की मजबूती के बारे में भी दी अपनी राय। प्रदेश सरकार पर जमकर शोपाल ने साधा निशाना। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और चाचा शोपाल सिंह यादव के रिश्तों में आई खटास अब कम होती दिखाई दे रही है। चाचा भतीजों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल रही है और रिश्तों में फिर से मिठास घुलने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन रिश्तों के सुधरने के साथ ही अब शर्तों का लागू होना भी चालू हो गया है। दीपावली पर अखिलेश यादव ने चाचा के साथ गठबंधन के संकेत तो दिए ही, अब साथ ही चाचा ने भी साथ जाने पर सहमति जताई, लेकिन शर्तें भी लागू कर दी। कानपुर में पत्रकारों से बात करते हुए शोपाल सिंह यादव ने जहां सपा के साथ सशर्त गठबंधन की बात कही, वहीं मौजूदा सरकार की खामियां गिनवाते हुए जमकर कटाक्ष किया। शोपाल सिंह यादव ने कानून व्यवस्था और क्राइम के मसले पर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा और अपना पक्ष रखा। इस मौके पर शोपाल सिंह यादव ने कहा कि उनकी पार्टी सपा के साथ काम करने के लिए तैयार है और वो भी मौजूदा सरकार को खाट फेंकने के लिए सपा का साथ देना चाहते हैं, लेकिन शर्त यही है कि हमारी पार्टी का समाजवादी पार्टी तो क्या किसी भी दल में विलय नहीं होगा। शोपाल सिंह यादव ने कहा कि पार्टी छोटे दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। अगर समाजवादी पार्टी सम्मानजनक सीटें देगी तभी गठबंधन किया जाएगा। कानपुर में एक कार्यकर्ता के आवास पर पत्रकार वार्ता में शोपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रसपा का संगठन प्रदेश के सभी जिलों में तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि संगठन 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। बूथ स्तर तक कमेटियों का गठन किया जा रहा है। शोपाल सिंह यादव ने बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान, मजदूर, बेरोजगार, नौजवान सब परेशान हैं। नोटबंदी का दर्द अब तक लोगों को झेलना पड़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और लोगों के काम सरकारी कार्यालयों में नहीं हो पा रहे हैं। यूपी सरकार पर हमला करते हुए शोपाल सिंह ने कहा सड़कें गड्ढा मुक्त करने का दावा किया गया था जबकि सड़कें गड्ढा युक्त हैं। प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरीके से ठप हैं। शोपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश में रोजाना हत्या, बलात्कार, लूट जैसे अपराध हो रहे हैं। प्रदेश सरकार का अपराधियों पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं है। ऐसे में अब परिवर्तन का संकेत मिल रहा है और सत्ता की सेज किसे मिलेगी वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल तो हम जो ऑफर मिल रहे हैं उन पर विचार कर रहे हैं, लेकिन उन पर भी हमारी कुछ शर्तें लागू होंगी। अब देखना ये है कि अखिलेश यादव चाचा के सशर्त गठबंधन पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और इसका क्या उपाय निकालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।